गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर भाई एग्जामपुर पर। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। सभी साथियों को गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की प्रिपरेशन जो है भाई चल रही होगी। तो जल्दी से भाई सभी साथी जुड़ जाइए और सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। एक बार क्लास जल्दी से शेयर कर दीजिए, आपकी क्लास जो है भाई स्टार्ट हो चुकी है। मैं भी आपकी क्लास को एक बार शेयर कर देता हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और आज का सेशन आपका, जैसा मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि आज का आपका सेशन जो होगा थ्योरेटिकल वेस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। सर, क्यों थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा? उसका भी रीजन ये है क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल सीरीज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेगुलर क्लास में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल सीरीज, तो सैटरडे स्पेशल जो रखा है इस वीक आपका प्योरली आपका थ्योरेटिकल होगा। तो भाई जल्दी से सभी साथी जुड़ जाइए और सभी साथी सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। सभी साथी एक बार जल्दी से भाई जुड़कर सेशन को शेयर कर दीजिए। मैं भी सेशन को शेयर कर देता हूँ, फिर आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। और जिन भी दोस्तों का कल इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम है, मोस्ट प्रेस्टीजियस जॉब फॉर इंजीनियर्स, जो भी इस एग्ज़ाम में कल अपीयर होने वाले हैं, उन सभी साथियों को भाई ऑल द बेस्ट, वेरी ऑल द बेस्ट। ठीक है, सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का एग्ज़ाम क्या हो भाई, अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, और आप सभी लोग जो हैं, जो भी दोस्त हैं, वो सभी लोग क्लियर कर पाएँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी क्लास होती है ये सैटरडे स्पेशल UPRNL JEE 1000+ questions का महाकुंभ। ये आज आपकी छठी क्लास है। ठीक है, तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है, मतलब किसी के पीछे गिड़गिड़ाने से बेहतर है कि भैया हमें काम दे दो, भैया हमें कुछ करवा दो। ठीक है, तो उससे बेहतर यह है कि तुम अपने पैरों पर चलो और क्या है, कुछ बनने की, कुछ करने की क्या कर लो, कुछ अपने अंदर चाहत को जो है वो पैदा कर लो। अगर अपने अंदर क्या कर लोगे भाई, चाहत को पैदा कर लोगे, तो तुम हर एक काम को क्या कर जाओगे भाई, कर जाओगे। ठीक है, तो जल्दी से भाई सभी साथी जुड़िए। कौन कौन जुड़ गया है भाई हमारे साथ, कौन कौन जुड़ गया है? शिवानी, पूजा, दीपक, अनिल, अंकित, दीपक, रश्मि, सिद्धार्थ, सौरभ, आकाश। चलिए, सभी साथियों का क्या है भाई, सभी साथियों को स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए, जैसा, और आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। ठीक है, जैसा है आपका क्या है, ये आपकी न्यूमेरिकल सीरीज जो चल रही है, इसका आपका तीन लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब जो मंडे को होगा इसका फोर्थ लेक्चर होगा। ठीक है, शाम को 6 बजे इसकी टाइमिंग है। और ये जो क्लास, अब आपको जो थंबनेल यहाँ पर दिख रहा होगा, जो पोस्टर यहाँ पर क्या है भाई दिख रहा होगा, इस क्लास के बारे में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी UPRNL JEE के लिए तैयारी कर रहा है, वो भाई अगर आप लोगों ने सिलेबस को ध्यान से रीड करा होगा, तो ये जो आपको दिख रहा है स्टैटिक GK की क्लास, जैसा कि हम लोग इंजीनियर हैं, हम लोगों का क्या होता है कि सर हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या कर लें, एक्वायर कर लें। और UPRNL में जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई 10 नंबर की क्या आ रही है, 10 नंबर की आपकी स्टैटिक GK जो है सर, 10 नंबर की आपकी आ रही है स्टैटिक GK सर, 10 नंबर की आपकी आ रही है। और विवेक सर और नितिन सर जो हैं, ये किसी भी इंट्रोडक्शन के भाई मोहताज नहीं है। ठीक है, अब आपका क्या है, ये जो स्टैटिक GK की क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 10 नंबर के क्वेश्चन इस पूरी क्लास से ही आपको देखने को मिल जाएंगे। कल सर 12 घंटे की मैराथन लेंगे, उसके अंदर आपके 13 टॉपिक्स जो हैं सभी कवर करवाए जाएंगे। जो भी एप्लीकेशन के बच्चे हैं सभी इस क्लास को जरूर अटेंड करेंगे, ठीक है, जरूर आप क्या करिए भाई इस क्लास को अटेंड करेंगे। जो भी साथी हमारे क्या कर रहे हैं, आप UPRNL की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस स्टैटिक GK वाले सेशन को जरूर अटेंड करिएगा भाई, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। 12 घंटे में 13 टॉपिक आपके क्या हो जाएंगे, स्टैटिक GK के कवर हो जाएंगे। एक बार आप नोट्स बना लोगे, फिर आप रिवाइज भी करोगे, तब भी आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ये UPSSC PET का अभिमन्यु बैच लॉन्च हुआ है, इसकी प्राइसिंग कितनी है, 699 है। अगर आप बैच परचेज करना कर सकते हैं। 45 डे का टारगेट बैच है, 21% आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप ये कोड यूज़ कर लीजिएगा, रैंक 21
21 आप क्या करिएगा, कोड को यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका कहाँ पर मिलेगा सर, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर आपको क्या है मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग क्या है, आप लोग आंसर नहीं करते, आप लोग आंसर नहीं करते। चलिए, ये सजेशन आया है दीपक यादव का, दीपक यादव का सजेशन आया है, सर कमेंट, सर जो कमेंट देंगे उनका नाम शो करिए, बहुत बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब की जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, जो भी मैं आपको होमवर्क दिया करूँगा, एक क्वेश्चन पर डे एटलीस्ट मैं आप लोगों को देता ही हूँ, ठीक है। उस क्वेश्चन का मैं अब आपका जो भी आप लोग आंसर दिया करेंगे, ठीक है, मैं उसकी एक अलग से स्लाइड क्या करूँगा भाई, प्रिपेयर करा करूँगा, अलग से स्लाइड प्रिपेयर करा करूँगा, और जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसको मैं क्या करूँगा, आप लोगों के सामने दिखाया करूँगा भाई। सेशन को शेयर कर दो जल्दी से सभी साथी, सेशन को जल्दी से सभी साथी एक बार शेयर कर दो, क्योंकि भाई ये तो तुम लोग रेगुलर क्लास से भी कम हो, अगर रेगुलर क्लास से कम रहोगे तो भाई मैं सेशन को, इस वाले सेशन को फिलहाल के लिए मैं बंद कर दूंगा, ठीक है, मैं इस वाले सेशन को बंद कर दूंगा, अगर तुम्हारे लोगों की यही कंडीशन नहीं, रेगुलर से भी कम रहोगे तो फिर भाई कैसे काम चलेगा, जल्दी से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो। यहाँ पर आपसे पूछा है इन 18 बाई 8 स्टील आपको दिया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम की परसेंटेज सर कितनी होती है 18 बाई 8 स्टील में सर आपकी क्रोमियम की परसेंटेज कितनी होती है, क्रोमियम की परसेंटेज पूछी है सौरभ, अनिल, गौरव, अंकित, दीपक, सब लोग, आप लोगों के आंसर क्या आ रहे हैं भाई, मिक्स आ रहे हैं। 18 बाई 8 में आपका क्या होता है, क्रोमियम जो होता है 18% होता है, क्रोमियम कितना होता है 18% होता है, 8% आपका क्या होता है निकिल होता है, 8% क्या होता है आपका निकिल होता है, क्रोमियम कितना होता है, क्रोमियम सर होता है 18%। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो साथी आंसर कर रहे हैं आप लोगों का आंसर करेक्ट है, ऑप्शन बी वालों का आंसर गलत है, 8% निकिल होता है बेटा, 8% निकिल होता है, ठीक है, 8% क्या होता है सर, निकिल होता है, ये आपकी वैल्यू जो है निकिल की वैल्यू दे रखी है, निकिल की वैल्यू जो है ये दे रखी है, ये मैंने आप लोगों को बताया भी था, दीपक और आकाश ये आप लोग गलत कर रहे हो, आप लोगों को ये मैंने बताया भी था, क्रोमियम स्टील में क्या होता है, क्रोमियम जो 18:8 का रेशियो होता है इसमें 18% क्रोमियम और 8% आपका क्या निकिल। अ सॉलिड अपॉन कूलिंग ड्यूरिंग जब आपका क्या होगा, सॉलिड प्लस लिक्विड क्या करेंगे, सॉलिड प्लस लिक्विड का रिजल्ट जो आपको मिलेगा, ये जो आपको रिजल्ट मिल रहा है सॉलिड प्लस लिक्विड का, ये आपको किस पॉइंट पर मिलता है, किस रिएक्शन के थ्रू आपको क्या मिलता है भाई, ये आपको मिलता है भाई, जल्दी से एक बार सेशन को सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिए, एक सेकेंड रुक जाइएगा भाई, चलिए आंसर आप लोग करिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो आपको सॉलिड प्लस लिक्विड का रिजल्ट मिलता है, तो जो आपका लिक्विड होता है ये कन्वर्ट किसमें होता है, ये कन्वर्ट आपका होता है सॉलिड प्लस लिक्विड में, किसमें होता है सर, सॉलिड प्लस लिक्विड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, तो ये आपका कौन सा पॉइंट होता है, ये आपका पेरिटेक्टिक पॉइंट होता है, ये किस टेम्परेचर पर होता है, 1492 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, 1492 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है सर, ये होता है, ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन परसेंटेज की वैल्यू बताने, कार्बन परसेंटेज की जल्दी से वैल्यू बताओ, इस पॉइंट पर पेरिटेक्टिक पॉइंट पर कार्बन परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बताओ भाई, पेरिटेक्टिक पॉइंट पर कार्बन परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बताइए भाई सभी साथी और सभी साथी भाई सेशन को शेयर कर दीजिए आप सभी साथी, ठीक है, क्योंकि आप लोग तो रेगुलर से भी कम, आप लोग तो क्या हो, रेगुलर क्लास से भी कम हो, ऐसे कैसे काम चलेगा, आप लोगों से इस सेशन के लिए आप लोगों से कुछ लिया तो नहीं जा रहा है, तो आप लोग एटलीस्ट सेशन को शेयर कर दिया करिए, सेशन को शेयर कर दिया करिए, कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, 1.18% आपका कितना होता है, कार्बन होता है सर कहाँ पर सर पेरिटेक्टिक पॉइंट पर, यहाँ पर आपका लिक्विड से एक सॉलिड मिलेगा और एक लिक्विड मिलेगा, आप लिक्विड से जब इसके रिएक्शन देखते हो तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, यहाँ से आपको जो मिलता है डेल्टा आयरन प्लस लिक्विड का मिक्सचर मिलता है, किस टेम्परेचर पर सर, 1492 डिग्री के टेम्परेचर पर, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टील हैविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6.67% ऑफ कार्बन, 93.33% ऑफ आयरन. 6.67% आपका क्या है सर, यहाँ पर आपका है कार्बन, यहाँ पर आपका है कार्बन, 93.33% आपका क्या है, 33% आपका क्या है आयरन. चलिए, सुजीत कुमार 12 नहीं होता है, सुजीत कुमार 12 नहीं होता है, दीपक 28 नहीं होता है, ठीक है, 0.8 नहीं होता है, 0.28 नहीं होता, सॉरी मैं 28 बोल रहा हूँ, 0.28 नहीं होता है, 0.18 होता है, 0.18 होता है आयरन कार्बन डायग्राम में. सबसे ऊपर वाला पॉइंट देखना, दो तीन आपके क्या होते हैं, तीन कार्बन की परसेंटेज की वैल्यू मैं बताया हूँ, उसमें बीच वाले पॉइंट पर देखना, बीच वाले पॉइंट पर देखना कितनी वैल्यू लिखी है, 0.18 लिखी होगी, 0.18 जो है वो लिखी होगी. अब ये आपको बताना है, ये आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अंकित, अनिल, दीपक, दीपक यादव, प्रशांत, आकाश, सौरभ, गौरव, नीरज, धनंजय, ज्योति, खुशबू, सभी का आंसर भाई करेक्ट है. सभी का आंसर क्या है सर, बिल्कुल करेक्ट है, 93% आपका आयरन और आपका 6.6% ऑफ कार्बन. तो इनका मिक्सचर क्या कहलाता है सर, सीमेंटाइट कहलाता है. सीमेंटाइट क्या कहलाता है, सीमेंटाइट कहलाता है. सीमेंटाइट क्या है आपका, इनका मिक्सचर जो होता है सीमेंटाइट आपका कहलाता है. अगर आपसे परलाइट की बात करेगा, अगर आपसे परलाइट की बात करेगा तब क्या होगा, परलाइट की बात करेगा तब आपका क्या होगा. तो परलाइट की बात करेगा तो जल्दी से भाई सभी साथी आंसर करिए कि परलाइट की अगर आपसे बात करेगा तो परलाइट के केस में आपका क्या हो जाएगा. जल्दी से बात करिए, जल्दी से बताइए भाई सभी साथी, बताइए जल्दी से कि परलाइट की बात करेगा तो इसमें कितने परसेंट आपका आयरन, कितने परसेंट आयरन और कितने परसेंट कार्बन. और अपने क्वेश्चंस कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ये चीज़ नोट करते रहना. ये चीज़ क्या है भाई, नोट आप लोग करते रहिएगा, ये चीज़ आप लोग नोट करते रहिएगा. परलाइट में क्या मिलता है, परलाइट में 0.8% कार्बन. परलाइट में कार्बन के कंटेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0.8%. बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा. यहां पर क्या बताया था, 87.5% आपका क्या होता है, आयरन होता है. 87.5% आपका क्या होता है, आयरन होता है. और 12.5% क्या होता है सर, कार्बन होता है कि नहीं होता है, कार्बन होता है कि नहीं होता है, 0.8% कार्बन, 0.8% कार्बन. सबका आंसर आ रहा भाई, आपको यूटेक्टिक पॉइंट पर पॉइंट नहीं पूछा है, यूटेक्टिक पॉइंट पर पॉइंट नहीं पूछा है, यूटेक्टिक पॉइंट पर पॉइंट आपसे नहीं पूछा था. यहाँ पर परलाइट किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, रिवीजन नहीं कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है, रिवीजन नहीं कर रहे हो इसका मतलब ये है. इसलिए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं. और रिवीजन नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा, रिवीजन नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा. और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, आपके अगर आपको एग्ज़ाम देना है UPRVNL का या फिर जो भी कोई अपकमिंग एग्ज़ाम है, तो आप लोग वैक्सीनेशन अगर आप लोगों ने नहीं कराया है तो आप करा लीजिए. वैक्सीनेशन अगर आप लोगों ने नहीं कराया तो करा लीजिए, क्योंकि वैक्सीनेशन एटलीस्ट एक सिंगल डोज क्या है, मैंडेटरी है. एटलीस्ट सिंगल डोज मैंडेटरी है, जिसको आपका 84 डेज लगभग हो जाएंगे उसके लिए दोनों डोज क्या है, मैंडेटरी है. दोनों डोज क्या है, मैंडेटरी है. जैसा कि शॉर्ट नोटिस आज निकला है UP BEd के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, UP BEd का, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम आपका लास्ट जुलाई में है. इसके लिए एक शॉर्ट नोटिस निकाला गया है कि जो एस्पिरेंट हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनके वैक्सीनेशन होना चाहिए, उनका क्या होना चाहिए, वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए. तो अगर एग्ज़ाम देने का मन है तो वैक्सीनेशन भाई जिसने भी नहीं कराया है करा लो, करा लो, नहीं तो एग्जाम देने को नहीं मिलेगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से भाई सभी साथी. और सेशन को जल्दी से भाई सभी साथी शेयर भी कर दीजिए, सेशन को जल्दी से भाई सभी साथी शेयर भी कर दीजिए. और जिस भी दोस्त यार ने सेशन को लाइक नहीं किया है, आप लोग एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिए, आप लोग एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिए. यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हार्डनेस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टील. आपको हार्डनेस बतानी है स्ट्रक्चर ऑफ स्टील की वाइल द अंडरगोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस. हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जब हम लोग करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, आपको क्या बतानी है, हार्डनेस जो है बतानी है. सबसे ज़्यादा हार्डनेस कम होती है, सबसे ज़्यादा हार्डनेस कम होती है. ये तीसरा क्वेश्चन नहीं है भाई, ये तीसरा क्वेश्चन नहीं होगा, ये आपका मे बी पाँचवा या चौथा क्वेश्चन होगा, मे बी पाँचवा या चौथा क्वेश्चन होगा, ठीक है, मे बी पाँचवा या चौथा क्वेश्चन होगा. अभी मैं आप लोगों को इसकी नंबरिंग बता देता हूँ इस क्वेश्चन के बाद. देखिए यहाँ पर आप क्या होता है, इसका
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी स्पोरोडाइट आपका क्या होता है, इसमें जब आप सल्फर की कंटेंट मिलाते हैं तब आपकी स्टील जो हो जाती है, तब आपकी स्टील हो जाती है, आपकी क्या हो जाती है जो मतलब हार्डनेस होती है वो आपकी कम रहती है, क्योंकि सल्फर मिलाने से आपका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो कोर्स परलाइट, मतलब बड़े बड़े स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है कोर्स परलाइट, ठीक है, कोर्स परलाइट ये आपका होगा। इसके बाद आपका किसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी, जो महीन महीन पार्टिकल से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर क्या कर रहा होगा, बॉन्डिंग कर रहा होगा, दैट मीन्स आपका फाइन परलाइट क्या होगा भाई, फाइन परलाइट, ठीक है, परलाइट। अब इसके बाद आपका क्या होता है, सब जो तो आपको पता ही है भाई क्या होता है, मार्टेनसाइट आपका क्या होता है, मार्टेनसाइट होता है, ऑप्शन डी आपका क्या, बिल्कुल करेक्ट। देखिए ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, मैं इस पर नंबरिंग भी कर देता हूँ, ये आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन, ये आपका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन और ये आपका चौथा क्वेश्चन, या चार क्वेश्चन हो गए हैं आपका। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, नहीं सल्फर आपका क्रोजन रेजिस्टेंस आपका क्रोमियम बढ़ाने से बढ़ता है, क्रोमियम मिलाओगे तब आपका बढ़ेगा। इसी वजह तो स्टेनलेस स्टील में देखते हो, स्टेनलेस स्टील में जंग क्यों नहीं लगती, क्योंकि उसमें क्रोमियम की जो परसेंटेज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से उसमें जंग नहीं लगती है जल्दी, ठीक है भाई, जल्दी से देखिए भाई। और जिन भी दोस्तों ने सेशन को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, आप लोग एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। हीट ट्रीटमेंट इज डन टू, हीट ट्रीटमेंट आपका किस पर करा जाता है, किस लिए करा जाता है, चेंज द ग्रेन साइज एंड सॉफ्टन द मटेरियल, इंप्रूव द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, रिवील इंटरनल स्ट्रेसेस, ऑल ऑफ द अबव, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्दी से भाई बताइए। और सभी साथियों का आंसर जो आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, अंकित पाल, आकाश, सौरभ, दीपक, गौरव, प्रशांत, अनिल, चलिए पूजा, सुजीत, विपिन, सभी का आंसर करेक्ट है भाई, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, जो भी तीन स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं इसलिए आपका क्या होता है, यूज होता है। हीट ट्रीटमेंट हम लोग मटेरियल की प्रॉपर्टी इंप्रूव करने में, इंटरनल स्ट्रेसेस को हटाने में, ग्रेन के स्ट्रक्चर को, माइक्रो स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक कलर इज जनरली पेंटेड ऑन, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे इस बार जो भी आपका एग्जाम हुआ है, यूपी आरवीएनएलई का जो अभी आपका 4-5 जुलाई को एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में आपका क्या हुआ, सेम टू सेम कुछ इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चन जो है वो आए थे। यहाँ पर आपसे पूछा है ब्लैक कलर का जो सिलेंडर होता है वो किसका होता है। पहला ऑप्शन देखो दे दिया नन ऑफ द ऑप्शन, दूसरा दे दिया एसिटिलीन, तीसरा दे दिया हाइड्रोजन और चौथा दे दिया आपको ऑक्सीजन। तो आप सभी साथियों का आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल सत्य आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी सर, क्या ऑक्सीजन सिलेंडर। और यहाँ पर एसिटिलीन सिलेंडर का क्या होता है, जल्दी से भाई बता दो, एसिटिलीन सिलेंडर का कलर जो होता है ये कैसा होता है, इनका प्रेशर भी बता देना, ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर कितना होता है और एसिटिलीन सिलेंडर का प्रेशर जो होता है ये कितना होता है, जल्दी से बताओ भाई। इनका प्रेशर कितना होता है आप लोग जल्दी से ये भी बताइए जल्दी से प्रेशर कितना होता है आपका। अगर एसिटिलीन सिलेंडर की बात करेगा तो इसका मेहरून या फिर डार्क रेड जो बोलता है, मेहरून बोलते हैं इसको हम लोग, इस कलर का होता है। सर इसका प्रेशर कितना होता है, ये तो सर कलर हो गया, ये तो आपका क्या होगा सर कलर हो गया, यहाँ पर प्रेशर कितना होता है 7 से 107 12.5। देखो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करेगा तो आपका प्रेशर जो होगा लगभग आपका 15 मेगापास्कल के आसपास होगा, 15 मेगापास्कल के आसपास आपका किसका प्रेशर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का। और अगर आपसे प्रेशर पूछेगा एसिटिलीन का प्रेशर अगर आपसे पूछता है तो आपका 1.5 मेगापास्कल किसका प्रेशर होता है, आपका एसिटिलीन का प्रेशर होता है। 1.5 मेगापास्कल किसका होता है, एसिटिलीन का प्रेशर होता है। ये चार क्वेश्चन यहाँ पर हो गए, चार क्वेश्चन क्या हो गए। और देखो ये जो आपका ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है ये लंबा होता है, ठीक है, ये लॉन्ग होता है, इस चीज को भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। लंबे जो सिलेंडर होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। एसिटिलीन सिलेंडर की अगर बात करोगे तो ये कैसे होते हैं, ये चौड़े होते हैं और स्मॉल होते हैं, इस चीज का याद रखना, ये आपका क्या होता है एसिटिलीन सिलेंडर इस तरीके का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से देखिए भाई सभी साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से सभी साथी।
जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इन टीआईजी आर्क वेल्डिंग द वेल्डिंग जोन इज शील्डेड बाय एन एटमॉस्फेयर ऑफ, जो टीआईजी वेल्डिंग आपको कैसे पता है भाई, शील्डेड गैस वेल्डिंग है। शील्डेड गैस वेल्डिंग में हम लोग कौन सी गैस को यूज करते हैं शील्डेड एनवायरमेंट को बनाने के लिए? शील्डेड एनवायरमेंट को बनाने के लिए हम लोग किस गैस का यूज करते हैं? हीलियम का, ऑर्गन का, आइदर ए और बी, और आपका नन ऑफ द अबव। चलिए बिल्कुल सही ऑप्शन सी हीलियम एंड ऑर्गन। ठीक है, देखो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, आइदर आप हीलियम यूज कर लो और आइदर आप ऑर्गन यूज कर लो, दोनों कैसी होती हैं आपकी नोबल गैसेस होती है, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो इनर्ट गैस बनाने के लिए, इनर्ट गैसेस का एटमोसफियर क्रिएट करने के लिए। चलिए यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन एक और पूछता हूँ, टी आई जी वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है ये कैसा होता है, कंज्यूमेबल होता है कि नॉन कंज्यूमेबल होता है? कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है या फिर नॉन कंज्यूमेबल होता है, जल्दी से बताइए। और इसके बाद आपको क्या बताना है कि इसमें आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोड की बात आ गई तो करंट की भी बात बता दीजिए। किसकी बात बता दीजिए सर? करंट की भी बात है बता दीजिए, करंट की भी बात आप क्या कर दीजिए बता दीजिए कि सर कौन सा करंट यूज करते हैं, एसी करंट, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, कौन सा करंट यूज करते हैं? अब इलेक्ट्रोड की बात आई है तो आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है भाई, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है सर, कौन सा आता है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आपका क्या होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, डीसी और एसी में भाई क्या है, डीसी करंट जो होता है अनिल कुमार, डीसी जो होता है, डीसी दो टाइप का होता है, डायरेक्ट करंट स्टेट पोलैरिटी और डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। तो देखो यहाँ पर जो करंट हम लोग यूज करते हैं, ये हम लोग यूज करते हैं डीसीएसपी, मतलब क्या, डायरेक्ट करंट स्टेट पोलैरिटी, इसको क्या बोलते हैं, इसको और किस नाम से जानते हैं, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव के नाम से भी जानते हैं, डीसीईएन भी आपको कहीं कहीं पर दे सकता है, या फिर हम लोग क्या, इन दोनों में ये दोनों एक ही चीज है, या फिर हम लोग एसी करंट को यूज करेंगे। यहाँ पर डीसीआरपी को डीसीआरपी लिखा हो, या फिर इसकी जगह पर क्या लिख सकता है, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव डीसीईपी लिखा होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट करंट स्टेट पोलैरिटी या फिर डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव या फिर एसी करंट को हम लोग यूज करते हैं, नॉन कंज्यूमेबल आपका क्या होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी आपका क्या होगा भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मेटल टू मेटल ज्वाइंट इज यूज टू अप्लीकेशन सब्जेक्टेड टू वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, सीवियर वाइब्रेशंस। ठीक है, ये आपको बताना है, जब आपका मेटल टू मेटल आप ज्वाइन कराओगे तो किस प्रोसेस के थ्रू ज्वाइन कराया जाता है, ये आपको बताना है। हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के थ्रू, सीवियर वाइब्रेशन के थ्रू, चलिए ये आपको बताना है। चलिए बहुत अच्छे भाई, सभी साथियों का आंसर आ रहा है, जल्दी से भाई सभी साथी और आंसर करेंगे। नीरज, प्रशांत, अनिल, दीपक यादव, गौरव, सतीश, मनोज, अनुराधा, भाई बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है सर। वेरी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर क्या होता है, यूज होता है अगर आपको मेटल टू मेटल ज्वाइंट बनाना है, तब आप क्या करोगे, आपका प्रेशर भी कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं बात दूं आपसे क्रिटिकल प्रेशर की, मैं अगर आपसे बात कर दूं, सर भाई क्रिटिकल प्रेशर बता दो और क्रिटिकल टेम्परेचर बता दो, ये दो चीज़ें बता दो, क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है और क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है, ये आपको बताइए जल्दी से बताइए। देखिए यहां पर क्रिटिकल प्रेशर की बात करेगा तो 221.2 bar, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये प्रेशर हो गया। अगर इसकी बात करेगा तो ये कितना होता है, ये 374 किसमें होता है, सेल्सियस में होता है या फिर केल्विन में होता है, 373.5, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका क्या होता है, ये आपका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर आपका ये होता है, क्रिटिकल प्रेशर आपका ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मैग्नेटिक आर्क ग्लो,
मैग्नेटिक आर्क ब्लो जो आपके होते हैं, मैग्नेटिक आर्क ब्लो जो होते हैं ये क्या होते हैं, मैग्नेटिक आर्क ब्लो जो होते हैं आपके क्या होते हैं? चलिए भाई चलिए भाई मैग्नेटिक आर्क ब्लो जो होते हैं क्या होते हैं, ठीक है, इसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसके लिए सर? रिड्यूस करने के लिए हम लोग इस पर क्या क्या करते हैं जल्दी से बताइए। ऑप्शन आप लोगों के आ रहे हैं, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आप लोगों ने क्वेश्चन जो है वो पढ़ लिया होगा भाई। यहाँ पर क्या बोला, मैग्नेटिक आर्क ब्लो, आप मैग्नेटिक आर्क ब्लो आपके जनरेट होते हैं, ऑप्शन डी आप लोग आंसर कर रहे हो। अनुराधा, दीपक, सौरभ, दीपक यादव, आकाश, अनिल, राजकुमार, गौरव, चलिए सभी का आंसर क्या आ रहा है, सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन डी। मैग्नेटिक आर्क ब्लो होता है जो आपके जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस जनरेट होती है, सपोज आपका क्या है, ये आपका कुछ इलेक्ट्रोड है, ये आपका कुछ इलेक्ट्रोड है, आपको वेल्डिंग करनी है, ठीक है, ये आपका ग्राउंडेड वर्कपीस है, ग्राउंडेड क्या है, वर्कपीस है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड को आपको वेल्ड करना है, इस पॉइंट पर आपको क्या कराना है, ज्वाइनिंग करानी है, बेल्ट ज्वाइंट बनाना है कोई, ठीक है। तो उससे वजह से क्या होगा, यहाँ पर ग्राउंडेड होने की वजह से मैग्नेटिक लाइंस फॉर्म होंगी, जिसके वजह से क्या हो जाता है, ये डिफ्लेक्शन हो जाता है आर्क में, आर्क में क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, आर्क ब्लो बोलते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो जो भी आपकी बेल्डिंग आर्क होती है वो क्या होती है, फैलने लगती है, बेल्डिंग आर्क क्या होने लगती है, फैलने लगती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग आर्क ब्लो की कंडीशन। इसको रिड्यूस किस तरीके से कर सकते हैं, कम किस तरीके से कर सकते हैं, पहला ऑप्शन क्या होता है भाई, फ्लक्स की कोटिंग करा दो, फ्लक्स की कोटिंग करा दो, ठीक है, फ्लक्स की कोटिंग करा दो, टैब इन टैब आउट मटीरियल यूज़ कर लो, टैब इन एंड टैब आउट मटीरियल यूज़ कर लो, टैब आउट मटीरियल को यूज़ कर लो। और क्या करते हैं सर, और क्या कराते हैं सर, और क्या कराते हैं, टैब इन टैब आउट क्या क्या कराते हैं, टैब इन टैब आउट का मटीरियल, हाँ, तो ये तो बताओ, देखो ये तो आपको बता दिया, आर्क ब्लो बता दिया, आप लोगों ने आंसर कर दिया बिल्कुल सही। अब इसको कम किस तरीके से करोगे, ये फ्लक्स कोटिंग कराओगे जो भी आपका इलेक्ट्रोड है उस पर, ठीक है, टैब इन टैब आउट को क्या करोगे, टैब इन टैब आउट मटीरियल मतलब कुछ मटीरियल आपने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ यहाँ रख लिया, कुछ मटीरियल आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ यहाँ रख लिया, ठीक है, टैब इन टैब आउट का यूज कर लिया, और क्या कर लिया, वेल्डिंग स्पीड को आपने ठीक करा, वेल्डिंग स्पीड ज्यादा नहीं कम नहीं, वेल्डिंग स्पीड को नॉर्मल करा, वेल्डिंग स्पीड पर आपने काम किया, आर्क लेंथ आपने मेंटेन करी, आर्क लेंथ आपने मेंटेन करी, आर्क लेंथ मेंटेन करी आपने, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी क्या होती है, ये सारी कंडीशंस होती हैं मैग्नेटिक आर्क ब्लो को कम करने के लिए, मैग्नेटिक आर्क ब्लो को कम करने के लिए ये सारी कंडीशंस होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग मोल्टन मेटल इज पोर्ड फॉर ज्वाइनिंग द मेटल, कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस में, कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस में आप डायरेक्टली मोल्टन, जो आपका मोल्टन मेटल होता है उसको यूज करते हो, उसको यूज करते हो आप बेल्ट ज्वाइंट बनाने के लिए, बेल्ट ज्वाइंट बनाने के लिए, बेल्ट ज्वाइंट बनाने के लिए, आर्क अर्थ नहीं चेंज करते हैं, अर्थ नहीं चेंज करते हैं राजकुमार, अर्थ नहीं चेंज करते हैं, अर्थ हम लोग वही रखते हैं, अर्थ जो होता है वो वही रखते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का, दीपक प्रशांत, राजकुमार, सौरभ, आकाश, अनिल, अनुराधा, अंकित, दुर्गेश, बिल्कुल भाई करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सर? थर्मिट बिल्डिंग, थर्मिट बिल्डिंग का यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था भाई कहाँ पर यूज़ करते हैं, रेल्स के ज्वाइनिंग प्रोसेस में, जो आपकी पटरियाँ होती हैं ट्रेन की, सबसे बेसिक एग्जांपल है ये, पटरियों में कहीं पर भी क्रैक आता है क्या, किस तरीके से जोड़ा जाता है सर, थर्मिट बेल्डिंग के थ्रू जोड़ा जाता है सर। क्या होता है, कुछ क्रूसिबल टाइप का होता है, क्रूसिबल टाइप का ऐसा होता है, इस पर क्या नीचे की साइड आपका रोलर्स लगे रहते हैं एक साइड में, या फिर इसको किसी स्टैंड पर लेके जाते हैं, किसी किसी में रोलर रहते हैं, किसी किसी में रोलर नहीं रहते, ये स्टैंड यहाँ से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, स्टैंड पर रोलर लगे रहते हैं, ये अलग हो जाते हैं रोलर जो आपके पटरियों पर चलते हैं। तो आप क्या देखोगे, इसमें से आपका कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट फिट होता है, अरेंजमेंट इस तरीके से फिट होता है, इसमें आपका क्या होता है, जनरली हम लोग आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का क्या लेते हैं, एल्यूमिनियम का मिक्सचर लेते हैं सर, किस रेशियो में, ये मास के रेशियो में लेते हैं, मास के रेशियो में कितना लेते हैं सर, 3:1 का। अगर तीन पार्ट लिए आपने किसके, आयरन ऑक्साइड के, तो एक किसका लोगे आप, एक लोगे आप एल्यूमिनियम का। इसको कंट्रोल करने के लिए इसके प्रोसेस, इसमें टेम्परेचर जो होता है, इसमें टेम्परेचर जो होता है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए इसमें हम लोग मैग्नीशियम रॉड्स का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम रॉड्स का यूज़ करते हैं, और इसमें जलाने के लिए हम लोग बेरियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं इग्नाइटर के रूप में, इग्नाइटर के रूप में अगर आपसे पूछ देगा, इग्नाइटर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, बेरियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, बेरियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, इन सारी चीज़ों को क्या रखिएगा भाई, याद रखिएगा, ठीक है, इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। बड़े थिकनेस की कास्टिंग को जोड़ने के लिए भी इसका यूज करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्ट्रेंथ एंड परमेबिलिटी ऑफ सर्व्ड सैंड आर रिलेटेड टू, स्ट्रेंथ और परमेबिलिटी जो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंथ और परमेबिलिटी हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग बताते हैं, जो हम लोगों को रिलेटेड होती है, किससे रिलेटेड होती है, ग्रेन साइज से, क्ले कंटेंट से, हार्डनेस से, या फिर मॉइस्चर कंटेंट से, जल्दी से बताइए भाई,
सेशन को भाई लाइक शेयर आप लोग कर दीजिए, जिस भी दोस्त ने, जिस भी भाई ने, बहन ने, दोस्त ने लाइक नहीं किया हो सेशन को, आप लोग एक बार आप लोग लाइक और क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से। देखिए स्ट्रेंथ और परमेबिलिटी, स्ट्रेंथ और परमेबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, ये मैंने एप्लीकेशन पर तो आज ही सुबह पढ़ाया था, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट ये किस पर डिपेंड करती है सर, मॉइस्चर कंटेंट पर डिपेंड करती है। सेंट स्ट्रेंथ की बात करेगा तो भाई देखो स्ट्रेंथ आपकी तीन टाइप की होती है, स्ट्रेंथ जो होती है तीन टाइप की होती है। देखो स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है भाई, आपकी स्ट्रेंथ जो आपकी होगी ये किस किस टाइप की आपकी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ होती है आपकी ग्रीन स्ट्रेंथ, ग्रीन होती है, ग्रीन होती है, उसके बाद आपकी कौन सी होती है, उसके बाद आपकी ड्राई होती है, और सर क्या होती है, हॉट स्ट्रेंथ होती है। तीन टाइप की स्ट्रेंथ होती है, मॉइस्चर कंटेंट जब प्रेजेंट तो ग्रीन स्ट्रेंथ, मॉइस्चर कंटेंट नहीं प्रेजेंट तब ड्राई स्ट्रेंथ, जब आपकी सैंड हीट है टेम्परेचर उसका राइज है तब आपकी हॉट स्ट्रेंथ। परमेबिलिटी क्या होता है, जो आपकी मटीरियल आपकी मोल्डिंग सैंड की वो प्रॉपर्टी जिससे आपकी क्या हो, जो भी गैसेज हो वो एस्केप हो जाए, बाहर की तरफ क्या चली जाए, बाहर की तरफ आपकी एग्जॉस्ट हो जाए, उनको क्या बोलते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, परमेबिलिटी कहलाती है। ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं, ये आपके मॉइस्चर कंटेंट पर डिपेंड करती हैं, किस पर डिपेंड करती है, मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्शन डी क्या, ऑप्शन डी क्या आपकी, ऑप्शन डी आपकी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच प्लेट पैटर्न इज यूज इन, मैच प्लेट पैटर्न जो हम लोग यूज करते हैं ये किसमें यूज करते हैं, ग्रीन सैंड मोल्डिंग में, बेंच मोल्डिंग में, पिट मोल्डिंग में, मशीन मोल्डिंग में, किसमें हम लोग यूज करते हैं, किसमें हम लोग यूज करते हैं, इसको बताइए, इसको क्या कर रही है बताइए, इसको बताइए, इसको बताइए। मैच प्लेट पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, कहाँ पर करते हैं, मैच प्लेट पैटर्न का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं। देखिए मैच प्लेट पैटर्न का यूज कर आप सैंड मॉल्डिंग में भी सकते हो, सैंड मॉल्डिंग में भी कर सकते हो, लेकिन क्या है मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा, ये हम लोग किसके लिए बनाते हैं सर, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के लिए बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के लिए बनाते हैं, और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग बनाते हैं तो ये हम लोग किसमें यूज करते हैं सर, मास प्रोडक्शन में यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं सर, मास प्रोडक्शन में यूज करते हैं, ठीक है, मास प्रोडक्शन में यूज करते हैं, दैट मीन मशीन मोल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, मशीन मोल्डिंग में सर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा सर, अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मशीन मोल्डिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं है सर हम लोग इसको मैच प्लेट को आप ग्रीन सैंड में यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये मास प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं, दैट्स वाई हम लोगों को जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या है, मशीन मोल्डिंग और ग्रीन सैंड दोनों चीजें दे रखी हैं, तो आप मशीन मोल्डिंग पर पहले जाओगे। मशीन मोल्डिंग पर क्या है, पहली प्रेफरेंस आपकी, फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी ये होनी चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी ये होगी, फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी ये होगी, अगर आपका मशीन मॉडलिंग ऑप्शन में है तो इसको टिक मारो, अगर नहीं है, नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस आपकी ये होगी, सेकंड प्रेफरेंस आपकी ये होनी चाहिए, प्रेफरेंस आपकी ये होनी चाहिए, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, कोई भी ऑप्शन क्या है आपका गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन डी होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, सेकंड प्रेफरेंस आप ये बोल सकते हो, सेकंड प्रेफरेंस आपकी ग्रीन सैंड मॉडलिंग हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। माउल्ड्स मेड ऑफ मेटल दैट मेंटेन देयर स्ट्रेंथ एट हाई टेंपरेचर, माउल्ड जो होते हैं किस मेटल के बनाए जाएं, कैसे माउल्ड जो है किस तरीके के बनाए जाएं, जो उनकी क्या हो स्ट्रेंथ जो हो बहुत हाई टेंपरेचर पर मेंटेन रहे, बनी रहे, ठीक है, मेंटेन रहे उनकी स्ट्रेंथ जो हाई टेंपरेचर पर बनी रहे। एक्सपेंडेबल माउल्ड, परमानेंट माउल्ड, कंपोजिट माउल्ड, ग्रीन सैंड माउल्ड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सेशन को लाइक और शेयर आप सभी साथी करते रहिए, लाइक और शेयर भाई क्या है सभी साथी कर दीजिए, जिस भी दोस्त ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है, लाइक और शेयर नहीं किया है आप लोग इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से भाई। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे ऑप्शन आप लोगों का, दो आंसर आ रहे हैं, दो आंसर आ रहे हैं सारे। देखो आपका क्या बोला है, मेटल का, तो ये क्वेश्चन से क्लियर कर दिया, माउल्ड मेड ऑफ मेटल, माउल्ड मेड ऑफ मेटल दैट मेंटेन देयर स्ट्रेंथ एट हाई टेम्परेचर, मेटल की बात कर दिया, मेटल की बात कर दिया, आंख बंद कर परमानेंट माउल्ड, परमानेंट माउल्ड, ग्रीन सैंड माउल्ड तो आपका भाई सैंड का होता है, ये तो एक्सपेंडेबल माउल्ड होता है ना, ये तो एक्सपेंडेबल माउल्ड होता है, ठीक है, एक्सपेंडेबल माउल्ड होता है, ये तो आपका क्या हो जाएगा, आपका टूट जाएगा, तो ग्रीन सैंड जो होता है ये अपनी स्ट्रेंथ को आप टेम्परेचर जब इंक्रीज करोगे ठीक है, तब भी क्या रहता है, तब भी ये अपनी को अपनी जो स्ट्रेंथ को है उसको मेंटेन रखता है, स्ट्रेंथ को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेपर एंगल प्रोवाइडेड इन द ड्राफ्ट अलाउंसेस, टेपर एंगल की वैल्यू कितनी होती है ड्राफ्ट अलाउंस में, ड्राफ्ट अलाउंसेस जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं इसमें हम लोगों की टेपर एंगल की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, टेपर एंगल की वैल्यू आपकी कितनी होगी, कितनी वैल्यू आपकी टेपर एंगल की होती है, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए।
हुए। और एक चीज और बतानी है, एक चीज और बतानी, चलो आपने टेपर एंगल की वैल्यू बता दी, ठीक है, टेपर एंगल की वैल्यू आपने क्या करी सर बता दी, कोई बात नहीं। यहाँ से आपकी कुछ इस तरीके की आपका टेपर होता है, इस तरीके का आपका क्या होता है टेपर होता है, ये आपका कुछ इस तरीके का होता है, ये आपका कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। आपका टेपर एंगल की सर इसकी वैल्यू बता दी, ठीक है, 0 से 3%, 0 से 3%, ठीक है, अपना ऑप्शन के हिसाब से बता दिया। 0 से 3% वैसे होती कितनी है, 1.5 से 2% की, सॉरी 0.5 से 2% के बीच में होती है। अब यहाँ पर जिस सर आप लोग इसको बाहर कितना निकालोगे, इसको कितना बाहर निकालोगे ये आपको बताना है। ये जो आपने जितना टेपर आपने हिंज की तरफ बाहर की तरफ निकाल दिया ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ, ठीक है, इसको आप कितना बाहर निकालोगे, सपोज ये x बता दिया अगर हमने, तो इस x की वैल्यू कितनी होती है, x की वैल्यू कितनी होती है मुझे ये बता दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन के हिसाब से। अंकित स्टार विपिन गलत है आंसर, विपिन गलत है आंसर। 5 to 7 तो बहुत ज़्यादा हो गया यार, 5 to 7 तो बहुत ज़्यादा हो गया। इसकी वैल्यू बता दो कितनी, इस एक्स की वैल्यू, जो एक्स जो है आपका कितने अमाउंट ऑफ एक्स जो रहेगा ये बाहर रहेगा, कितने अमाउंट ऑफ एक्स जो है यहाँ से बाहर रहेगा ये बता दो। 5 to 7 इंटरनल, 5 to 7 इंटरनल रहता है, 5 to 7 कैसा रहता है, इंटरनल रहता है। पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू एच टेन थीटा, एच टेन थीटा होता है, एक्स इक्वल्स टू एच टेन थीटा कुछ होता है, ये कुछ होता है नहीं होता है, ये कुछ होता है यहाँ से नहीं होता है, ओ सॉरी यहाँ से एच इक्वल्स टू एच एक्स टेन थीटा होता है, एच इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, एच क्या होता है सर इसमें, ये एच होता है, एच कितना होता है सर, ये एच होता है, ठीक है। अब आप इस अगर एक्स की वैल्यू मैंने पूछी तो क्या हो जाएगी, एच वाई टेन थीटा, एच वाई टेन थीटा, एच वाई टेन थीटा ये वैल्यू हो जाएगी, सॉरी यही चीज़ करेक्ट है, ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, जो चीज़ मैं लिखा था वही चीज़ करेक्ट है, आप लोग गलत बता रहे हो, ठीक है। h इक्वल्स टू यहाँ से क्या बताया था मैंने, ये h टेन थीटा बताया था, h टेन थीटा बताया था किसके बराबर सर, x के बराबर, ये मैंने बताया था आपको भी। तो अगर यहाँ से आपसे यही वैल्यू होगी h टेन थीटा, h ये है तो आपका x ये हो जाएगा, x x आपसे पूछा है तो x बराबर कितना हो जाएगा, h टेन थीटा हो जाएगा, h टेन थीटा हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये वैल्यू हो जाती है। जितनी हाइट होती है ना आपकी मोल्ड की, जितनी आपकी मोल्ड की हाइट होती है, जितनी आपकी कास्टिंग की हाइट होती है सर, ये मोल्ड कैविटी की हाइट है। अब इसके रेशियो को 10 थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी ये वाली लेंथ जो होगी ऊपर वाली ये आ जाती है, ऊपर वाली लेंथ जो है ये आ जाती है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। गलत लिख रहे हो, कौन लिखा था, प्रशांत गलत है तुम्हारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ड्राफ्ट ऑन पैटर्न फॉर कास्टिंग, जो हम लोग ड्राफ्ट प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो अलाउंसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों ने ऑप्शन देख लिए होंगे, क्यों प्रोवाइड करते हैं जल्दी से बताइए, क्यों प्रोवाइड करते हैं आपको जल्दी से बताना है, ठीक है। श्रिंकेज अलाउंसेज के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, टेपर टू फैसिलेट इट रिमूव फ्रॉम द माउल्ड इसके लिए, या फिर मशीनिंग अलाउंसेज के लिए, किसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई प्रोवाइड करते हैं आपको ये बताना है। ड्राफ्ट अलाउंसेज जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये टेपर का बनाते हैं, ये क्यों बनाते हैं ये आपको बताना है बेसिकली, ठीक है। ये बनाते हैं कि हम लोग टेपर इसलिए बनाते हैं कि हमारा इजिली क्या हो जाए, रिमूवल हो जाए। संतोष, विपिन, राजकुमार, दीपक, सौरभ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अंकित स्टार, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, जो साथी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पर स्टैटिक जीके की एक क्लास लेके आ रहा है सर विवेक सर और आपके नितिन सर पॉलिटी गुरु, ठीक है। अब ये क्या है, ये सुबह कल क्लास होगी, सुबह छः बजे से लगातार 12 घंटे की क्लास होगी, ये 12 आवर की क्लास होगी, ठीक है। अब इसमें आपके पास क्या है, इसमें जो है आपको क्या देखना है, इसमें आपको 13 टॉपिक कराए जाएंगे, स्टैटिक जीके के 13 टॉपिक जो है आपके कवर कराए जाएंगे, ठीक है। पेट के लिए तो बेनिफिशियल है ही है, आप लोग UPRVNL वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो इस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि आपके क्या है भाई, कम टाइम में जो है आपके ज़्यादा टॉपिक क्या है कवर हो जाएंगे, 1 घंटे से भी कम टाइम में आपके एक टॉपिक में लग रहा है, ठीक है। और UP SSSC जिस हिसाब से पेपर देगा, ठीक है, उसी हिसाब से आपका पेपर क्या आने वाला है, उसी हिसाब से पेपर आपका UP RVNL भी पूछेगा,
इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और स्टैटिक जीके पर अपनी पकड़ जो करिए मजबूत करिए 10 में से एटलीस्ट। अगर आपके मैम आप लोग बोलोगे कि सर 10 में से 10, मैं तो 10 में से 10 की बात मानकर चल रहा हूँ कि सर के क्वेश्चन जो सर कल 12 घंटे की क्लास करवाएंगे, जो इस क्लास को कायदे से कर लेगा 10 में से 10 नंबर उसके पक्के हो जाएंगे। लेकिन आप लोग बोलोगे सर 10 में से 10 तो मैं मान ही नहीं सकता। भाई 10 में से 7 मानोगे? 10 में से 7 मानोगे? अगर तुम्हें 12 घंटे में सर 7 नंबर दिला दे रहे हैं, 12 घंटे में 7 नंबर फिक्स टू फिक्स दिला दे रहे हैं, तो इस सेशन को क्यों नहीं अटेंड करोगे? कम टाइम में तुम्हारा ज़्यादा कवरेज हो जाएगा। इस सेशन को सभी लोग जो है ज़रूर अटेंड करिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, जहां तक प्रिडिक्शन है वहां तक आपका मिड सितंबर में एग्ज़ाम होगा। मिड सितंबर का मतलब जो भी आपका सेकेंड संडे और सेकेंड सैटरडे पढ़ने वाला है उसमें आपका एग्ज़ाम होगा UPRVNL JEE का। ठीक है सर, आपको कैसे पता? अगर आप लोगों को भाई ज्ञात हो तो मैं UP SSSC JEE 2018 वाले के लिए अब से नहीं, काफ़ी टाइम से मैं बोल रहा हूँ, 1.5 महीना मुझे लगभग बोलते बोलते हो गया कि आपका वो पेपर अक्टूबर में होगा। कल परसों कैलेंडर आ जाएगा आप लोगों का, कल परसों जो है कैलेंडर आने वाला है, उसमें देख लीजिएगा, अक्टूबर में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्स्ड वर्टेक्स मोशन को आपके बारे में बताना है। ठीक है, देखिए अब यहां से क्या बता रहा है, आपका फोर्स वर्टेक्स मोशन क्या होता है? रोटेशन ऑफ फ्लूइड मूविंग एज अ सॉलिड टेक्स प्लेस अबाउट एन एक्सिस। ईच पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ स्पीड बेयरिंग द इनवर्सली एज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका क्या है भाई, बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। हाँ राजकुमार, UPSSSC के देखो डेट आने दो, उसके बाद हम लोग कुछ प्लान करते हैं। अगर कुछ करना होगा तो डेट कंफर्म होने के बाद ही कुछ प्लान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द टू डायमेंशनल एंड ऑफ आइडियल फ्लूइड। टू डायमेंशनल आइडियल फ्लूइड के लिए आपका कौन सा स्टेटमेंट क्या है भाई करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। मैं तो यही बोलूंगा कि भाई आप लोग सेशन को जरूर अटेंड करिए, क्योंकि 12 घंटे में आप जैसे पेट में देखे होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कवरेज कर रखा है। ठीक है, जो एरिया कवर कर रखा है, 13 टॉपिक लिखे हैं, तो ये नहीं मतलब है कि सर 13 ही करवाएंगे। सर विवेक सर पढ़ाते हैं ना, तो विवेक सर की आदत है कि वो कुछ ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताते हैं। ठीक है, और अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि पंचायत इलेक्शन हुए, इलेक्शन का माहौल है, तो स्टैटिक जीके के टॉपिक को पॉलिटी से रिलेट करके पढ़ाएंगे आपके कौन, नितिन सर। तो भाई क्लास को जरूर अटेंड करना, क्लास को अटेंड करोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है, 13 टॉपिक से मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ आपको 15 टॉपिक ना कवर हो तो बताइएगा, आपके 13 टॉपिक छोड़ दो। चलिए यहां पर आपका क्या होता है, आइडियल फ्लूइड के लिए, टू डायमेंशनल फ्लूइड के लिए आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होता है? चलिए बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन किसके लिए, दोनों के लिए वैलिड। टू डायमेंशनल फ्लूइड। अगर 3D की बात करेगा, 3D की बात करेगा, ओनली फॉर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो जो होता है ये क्या होता है? द डायरेक्शन एट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट ऑल पॉइंट्स आर आइडेंटिकल। द वेलोसिटी ऑफ सक्सेसिव फ्लूइड पार्टिकल्स एट एनी पॉइंट इन द सेम सक्सेसिव पीरियड ऑफ टाइम। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डू नॉट चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन अ फ्लूइड। वेलोसिटी, डेप्थ, प्रेशर एक्सेट्रा चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन द फ्लूइड फ्लो। क्या करेक्ट होगा इसका आंसर? चलिए अंकित, दीपक, आकाश, अविनाश, अनिल, करेक्ट आंसर है राजकुमार मौर्य, आपका आंसर क्या है भाई, गलत। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी आपकी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखी हुई हैं, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज जो लिखी हुई हैं, इसके अलावा जितनी भी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट क्या करती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं एवरी इंस्टेंट पर। फ्लो कैसा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रीम लाइन इज अ लाइन। स्ट्रीम लाइन जो होती है ये क्या बताती है, क्या होती है? विच इज अलॉन्ग द पाथ ऑफ द पार्टिकल
विच इज ऑलवेज पैरेलल टू द मेन डायरेक्शन ऑफ फ्लो अलोंग विच देयर इज नो फ्लो. इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग कोई भी फ्लो नहीं होता है. ऑन विच टेंजेंट ड्रॉट एंड एनी पॉइंट गिवन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. गिवन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सिंपल सा क्वेश्चन है भाई. ऑप्शन पढ़ के ही आप आंसर दे सकते हो और आप लोगों के आंसर क्या है बिल्कुल आ भी रहा है. ऑप्शन डी क्या सर? स्ट्रीम लाइन आपकी कैसी होती है सर? एक इमेजिनरी लाइन होती है. इमेजिनरी लाइन होती है. इस पर आप कुछ भी खींचो, इस पर आप कभी भी कहीं पर भी टेंजेंट खींचोगे वो आपको क्या बताएगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा. ऑप्शन डी क्या सर आपका? ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा सर? बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्लपूल इन अ रिवर इज एन रिवर, रबर बोल रहा हूँ भाई. वर्लपूल इन अ रिवर, जो नदी में भंवर बनता है, ये किसका एग्जाम्पल होता है? फोर्स वर्टेक्स फ्लो का, फ्री वर्टेक्स फ्लो का, इरोटेशनल फ्लो का, या फिर विस्कस फ्लो का? जल्दी से भाई करिए, जल्दी से बताइए थोड़ा सा. देखिए यहाँ पर आपका वर्टेक्स फ्लो क्या होता है? जो आपका क्या होता है, कोई भी कर्वेचर पॉथ को फॉलो करता है तो फ्लो कैसा होता है? वर्टेक्स फ्लो होता है. और रिवर है, रिवर में आपका क्या है, कर्वेचर पाथ को फॉलो करेगी और बिना कोई एक्सटर्नल टॉर्क के, तो ये कैसा हो जाएगा? फ्री वर्टेक्स फ्लो हो जाएगा. ऑप्शन बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, गियर बॉक्स इज अ गियर बॉक्स इन अ कार कंटेन्स एट. गियर बॉक्स में क्या लगा होता है? कंपाउंड ट्रेन, सिंपल ट्रेन, एपिसाइक्लिक ट्रेन. किस तरीके की ट्रेन का यूज करते हैं, किस तरीके की ट्रेन का यूज हम लोग किस में करते हैं? गियर बॉक्स में करते हैं. चलिए, पूजा, आरती, विपिन, प्रशांत, दीपक, संदीप, अनिल, करेक्ट आंसर है भाई. और जिस भी दोस्त भाई बहन ने सेशन को लाइक नहीं किया है, ठीक है, आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को, ठीक है. और सेशन को भाई शेयर जरूर कर दिया करिए. सेशन को क्या है, शेयर जरूर कर दिया करिए, क्योंकि इसी सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, आप लोग जब शेयर वगैरह करते हैं तो इसी सारी चीज़ों से मुझे क्या मिलता है भाई, मोटिवेशन जो है आपका मिलता है, ठीक है. अब गियर में आपका क्या होता है, गियर जो आपका क्या होता है, गियर बॉक्स होता है, इसमें आपका क्या होता है, गियर बॉक्स में आपका क्या होता है, गियर बॉक्स में आपका, गियर बॉक्स में आपका क्या होता है, इसमें क्या होता है भाई, आपकी एपिसाइक्लिक ट्रेन होती है. एपिसाइक्लिक ट्रेन होती है, एपिसाइक्लिक ट्रेन जो होती है ये आपकी होती है गियर बॉक्स में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गियर ड्राइव आपकी इफिशियंट होती है या बेल्ट ड्राइव इफिशियंट होती है पावर ट्रांसमिशन के टाइम पर? पावर ट्रांसमिशन के टाइम पर आपकी गियर ड्राइव इफिशियंट होती है या फिर आपकी बेल्ट ड्राइव इफिशियंट होती है? बेल्ट ड्राइव इफिशियंट होती है. क्या बात है भाई, तुम लोगों के आंसर जल्दी आ रहे हैं यहाँ पर तो. ये वीडियो लैग करा, एक सेकंड रुकना भाई. चलिए यहाँ पर गियर ड्राइव जो होता है, गियर ड्राइव की एफिशिएंसी कैसी होती है सर? ज्यादा होती है. गियर ड्राइव की एफिशिएंसी कैसी होती है सर? ज्यादा होती है. क्यों सर ज्यादा होती है? क्योंकि ये क्या होती है, पॉजिटिव ड्राइव होती है. बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, बार बार आपकी क्या हो जाती है, बेल्ट जो होता रहती है स्लिप हो जाती है. क्या हो जाती है सर? बेल्ट हो जाती है, आपकी स्लिपिंग कंडीशन इसमें ज्यादा रहती है. मीन्स इसमें जो रहती है पावर ट्रांसमिशन जो रहता है इसमें लो रहता है. कहाँ सर? बेल्ट ड्राइव कहाँ पर देखोगे? आटा चक्की देखे, उस पर जो बेल्ट पुली घूमती रहती है वो क्या हो जाती है, बार बार उतर जाती है, उसकी एफिशिएंसी नहीं अच्छी होती. गियर ड्राइव की एफिशिएंसी कैसी होती है? अच्छी होती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. इन अ पावर ट्रांसमिशन अ गियर ट्रेन कंसिस्टिंग 12 गियर्स इज यूज्ड, देन द मोशन ड्राइवर एंड फॉलोअर. ड्राइवर का और फॉलोअर का जो स्पीड होगी, जो डायरेक्शन होगी, वो किस तरीके की होगी? अगर आपके नंबर ऑफ गियर्स कितने, नंबर ऑफ गियर्स 12 है. नंबर ऑफ गियर्स क्या है? 12 है. अमित कुमार क्या बोल रहे हो? देखिए, अगर आपके नंबर इवन होंगे, अगर आपके नंबर इवन होंगे दो गियर्स अगर आप लगाओगे, ठीक है, इवन नंबर्स में, दैट मींस अगर ये ऐसे रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज तो ये कैसे रोटेट होगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा. ठीक है, अगर तीसरा गियर लगा दोगे तो अगर ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है. मतलब अगर ऑड नंबर होंगे तो सेम डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन होगी. इवन नंबर है दैट मींस तो आपकी अपोजिट डायरेक्शन है. कैसी डायरेक्शन है? अपोजिट डायरेक्शन. ऑप्शन बी क्या करेक्ट? ऑप्शन बी क्या करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गियर सिस्टम हैव द मैक्सिमम थ्रस्ट, वो सॉरी मिनिमम एक्सियल थ्रस्ट. मैक्सिमम किसमें होता है और मिनिमम किसमें होता है, मैक्सिमम भी बता देना, चलो मैक्सिमम भी बता देना किसमें होता है, मिनिमम तो बताओ बताओ, मैक्सिमम भी बता देना किसमें. चलिए देखिए, अगर मिनिमम की बात करेगा तो मिनिमम के लिए सर डबल हेलिकल गियर्स जो होते हैं, डबल हेलिकल गियर्स जो होते हैं, इसमें दो हेलिक्स होते हैं सर. कौन से सर? एक लेफ्ट हेलिकल, लेफ्ट हेलिकल और एक आपका लेफ्ट हेलिकल, और एक आपका क्या राइट हेलिकल, एक आपका क्या राइट हेलिकल, राइट हेलिकल. ठीक है, अब अगर मैक्सिमम की बात करेगा तो सर इसमें किसमें होता है? सर स्पर गियर में होगा. किसमें होता है सर? स्पर गियर में मैक्सिमम एक्सियल थ्रस्ट होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. इन द केस ऑफ इनवॉल्यूट टूथेड गियर, इनवॉल्यूट स्टार्ट फॉर्म, इनवॉल्यूट टूथेड गियर जो होता है, इनवॉल्यूट टूथेड गियर जो होता है, ठीक है, इनवॉल्यूट टूथेड गियर जो होता है, इनवॉल्यूट टूथेड गियर जो होता है, ये आपका कहाँ से परफॉर्म होता है, परफॉर्म कहाँ से होता है, कहाँ से परफॉर्म होता है? इस पर गियर में मैक्सिमम होंगे प्रशांत कुमार. सचिन गुप्ता, भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7 भावार्थ, भारत जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब. चलो, इनवॉल्यूट सर्किल जो बनता है, इनवॉल्यूट टूथ जो बनाए जाते हैं, ये कहाँ से बनाए जाते हैं भाई? बेस सर्कल से बनाए जाते हैं. कहाँ से बनाए जाते हैं? बेस सर्कल से. आपकी क्या करा जाते हैं बनाई भाई? भाई ये बनाए जाते हैं. ऑप्शन डी आपका क्या करेक्ट? ऑप्शन डी आपका क्या करेक्ट? टेंजेंट सर्कल होता है ये, आपके ऑप्शन आपके कहाँ से बनाए जाते हैं? ये आपके बेस सर्कल से बनाए जाते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. पिच सर्कल पर नहीं, बेस सर्कल. पिच सर्कल नहीं होता है, बेस सर्कल होता है. बेस सर्कल होता है, बेस सर्कल होता है. भाई सेशन को अगर शेयर और लाइक नहीं किया आप लोग, एक बार लाइक और शेयर आप लोग सभी साथी कर दीजिए. सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम इज डन एट, सुपर हीटिंग करते हैं जो स्टीम की, ये कहाँ पर करते हैं, ये कहाँ पर करते हैं, कहाँ पर सुपर हीटिंग करते हैं? चलिए बिल्कुल करेक्ट है. दीपक संदीप, अंकित, दीपक, अमित कुमार, सौरभ, आकाश, अनिल, सुजीत, दीपक, सभी का आंसर करेक्ट है. क्या आपका कॉन्स्टेंट प्रेशर? क्या सर आपका कॉन्स्टेंट प्रेशर? कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इंक्रीज ऑफ प्रेशर. जब आप प्रेशर को क्या करोगे? बढ़ाओगे. जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे तब आपकी लेटेंट हीट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? लेटेंट हीट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या इंपैक्ट जो है ये पड़ेगा? क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ये घटेगी, बढ़ेगी, सेम रहेगी, अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगी. बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, सभी का आंसर आ रहा है. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन सर. लेटेंट हीट आपकी प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाओगे, लेटेंट हीट क्या होती जाती है? कम होती जाती है. ड्राइनेस फ्रिक्शन क्या होता जाता है? आपका कम होता जाता है. ठीक है, ड्राइनेस फ्रिक्शन आपका क्या होता जाता है सर? कम होता जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन अनप्रिडिक्टेबल नहीं होती है, अनप्रिडिक्टेबल नहीं होती है दीपक, अनप्रिडिक्टेबल नहीं होती. ठीक है, प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ आपका क्या होता है? प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ आपका लेटेंट हीट जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? लेटेंट हीट आपकी कम हो जाती है. चलिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दैट मीन्स जी की बात किया है, जी की बात किया है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? शियर स्ट्रेस. क्या हो जाएगा सर? शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन आपका क्या हो जाएगा सर? करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आपका क्या सर? करेक्ट. ऑप्शन डी आपका सर क्या करेक्ट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइबोरियस फ्रैक्चर, फाइबोरियस फ्रैक्चर मतलब जो रेशेदार फ्रैक्चर जो होता है किस मटीरियल में बनता है? डक्टाइल में, ब्रिटल में, इलास्टिक में, हार्ड में? डक्टाइल में, ब्रिटल में, इलास्टिक में, हार्ड में, किस में आपका क्या होता है? किस में आपका फाइबरियस स्ट्रक्चर बनेगा? फाइबरियस स्ट्रक्चर जो होता है किस में आपका बनता है? रेसेदार जो फ्रैक्चर होता है वो किस में बनता है? देखिए इसमें जो आपका, जो आपका डक्टाइल मटेरियल होता है, जो आपको पता है जैसे क्या होता है, ये आपके जब खींचोगे तो इसमें पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 5% से ज्यादा होती है. जब आप इसको पुल करोगे, खींचोगे, तब क्या होगा भाई? इसमें रेसे रेसे से बन जाएंगे, महीन महीन से. जब आप ब्रेक करोगे, अगर आपने यूटीएम पे टेस्ट कराओ, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर अगर आपने टेस्ट कराओ, टेंशन टेस्ट, तब आपने देखा होगा कि जब आपका जो मटेरियल ब्रेक होता है तो उसकी जब सरफेस देखते हो ना, उस पर महीन महीन से क्या होते हैं? रेसे से निकले होते हैं. ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल पर जब आप ये टेस्ट करोगे तब आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा. ठीक है, इस तरीके से आपको क्या मिलेगा? देखने को मिलेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. और ये जो क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आज का सेशन का. वेयर इज द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड
इन अ बार ऑफ टेपरिंग सेक्शन, टेपर सेक्शन की आपकी बार है, टेपर सेक्शन की आपकी बार है, ठीक है, टेपर सेक्शन की आपकी क्या है, बार है, टेपर सेक्शन की आपकी क्या है, बार है, तो आपकी मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम जो है आपका क्या होगा, मैक्सिमम जो है आपका, मैक्सिमम जो है यहाँ पर आपका जो स्ट्रेस होगी, मैक्सिमम स्ट्रेस होगी, सिग्मा मैक्सिमम आपका कहाँ पर होगा, सिग्मा मैक्सिमम आपका कहाँ पर होगा, ये बताना, ये बताना। चलिए, बहुत सही आप लोगों का आंसर आ रहा है। आरती, अनिल, दीपक, प्रशांत, सतीश, सौरभ, दीपक, राजकुमार, संदीप, चंद्रा, करेक्ट आंसर है। ठीक है, कहाँ पर होगा सर, स्मॉलर सेक्शन पर होगा, स्मॉलर सेक्शन, दैट मीन इस वाले सेक्शन पर मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, क्योंकि सर यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया आपका क्या हो जाता है, जहाँ पर स्ट्रेस मैक्सिमम होने का क्या मतलब है, स्ट्रेस मैक्सिमम होने का मतलब है पी बाई एरिया मिनिमम, एरिया मिनिमम, जहाँ पर एरिया मिनिमम वहाँ पर आपका स्ट्रेस मैक्सिमम, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या करेगा। चलिए फिर एक बार मैं बता दूँ, स्टैटिक जीके की कल क्लास है 12 घंटे की, कल कोई भी क्लास आपकी और नहीं होगी, कल कोई भी आपकी और क्लास नहीं होगी, तो इस क्लास को भाई सभी साथी जरूर अटेंड करें, 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 ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और जो है मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस कब चलती हैं, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस कब चलती हैं, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस जो होती हैं ये कब चलती हैं, ये आपकी चलती हैं मंडे टू फ्राइडे की अगर आप बात करोगे, मंडे टू फ्राइडे की अगर आप बात करोगे, तब आपका क्या होगा, तब जो आपकी क्लासेस चलती हैं शाम को 6 बजे चलती हैं, 6 PM पर चलती हैं, और इसमें अभी क्या चलता है, स्पेशल न्यूमेरिकल सीरीज, स्पेशल न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है, न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है, ठीक है, स्पेशल न्यूमेरिकल सीरीज जो है ये चल रही है। अब सैटरडे को जो क्लास होती है, ठीक है, ये जो होती है ये आपकी कहाँ से होती है, ये आपकी सैटरडे की जो क्लास होती है, सैटरडे की जो आपकी क्लास होगी ये आपकी जो होती है रात में 10 बजे होती है, क्या होती है, रात में सर 10 बजे होती है, ठीक है। अब बता दो अपना स्कोर, और मैं आप लोगों को एक बता दिखा देता हूँ भाई पोस्टर, 30 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। आज छठी क्लास हो गई है, लगभग आपके पास 180 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, लगभग आपके पास 180 क्वेश्चन हो चुके हैं, छठी क्लास हो चुकी है। ये जो थंबनेल है आप लोग देख लीजिएगा, ये क्लास चलती है आपकी शाम को 6 बजे ये क्लास चलती है, शाम को 6 बजे क्या चलती है, ये क्लास आपकी चलती है। और जिस भी दोस्त भाई बहन सेशन को लाइक नहीं किया, आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है, सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको क्या हो जाएगी भाई, इसकी PDF जो है मिल जाएगी, इस सेशन की PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, अब आज के सेशन में जिसका भी स्कोर 25 प्लस था वो अच्छा था, जिसका भी स्कोर 25 से प्लस था वो अच्छा था, बट एक्यूरेसी से निगेटिव कर दोगे तो फिर गड़बड़ मामला हो जाएगा, निगेटिव नहीं करना है। अगर आपका स्कोर 25 से प्लस है तब आपका क्या है, बढ़िया स्कोर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंप्रूवमेंट आपके में है। चलिए नेक्स्ट को आप चलते हैं भाई, सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, आपका आज का सेशन जो है यहाँ पर कंप्लीट, इसकी PDF जो है आपको कल मैं प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू क्लास, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे मंडे को शाम को 6 बजे तक।